एडवोकेट भूदेप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए साथियों आप देख रहे हैं बहुजन भारत, भारत का हर कोई स्टेट में बहुजन समाज का जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है हर दिन बहुजन समाज का लोगों को मारा जा रहा है हर दिन बहुजन समाज का हर कोई व्यक्ति यहाँ एट्रोसिटी और टॉर्चर हो रहा है एडवोकेट से लेकर जस्टिस तक जस्टिस से लेकर प्रोफेसर प्रोफेसर से लेकर राजनीतिज्ञ तक हर कोई व्यक्ति को भारतवर्ष में बहुजन समाज को टॉर्चर किया जा रहा है इस भारतवर्ष में हमारा एडवोकेट सुरक्षित नहीं है भारतवर्ष में बहुजन समाज का जस्टिस सुरक्षित नहीं है बहुजन समाज का लीडर सुरक्षित नहीं है बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति यहां सुरक्षित नहीं है हर दिन हत्या किया जा रहा है हर दिन मारा जा रहा है जस्टिस कर्नल को जेल जाना पड़ता है बहुजन समाज का लीडर लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाना पड़ता है बहुजन समाज का एमएलए जिग्नेश मेवानी को जेल जाना पड़ता है बहुजन समाज का स्टूडेंट पाल तड़वी को पाल तड़बी को करना पड़ता है बहुजन समाज का होनहार स्टूडेंट रोहित बेमूला को मारा जाता है बुद्धिजीवी तेल कर को जेल का अंदर डाला जाता है यहां कोई सुरक्षित नहीं है भारत वर्ष में हमारा आईपीएस सुरक्षित नहीं है हमारा आयस सुरक्षित नहीं है जाति का आयस जितना करप्ट कर लेना क्यों उन्हें कुछ होने वाला नहीं है लेकिन बहुजन समाज का कोई भी आई या आई अधिकारी को खीरा चोरी में जेल का अंदर घुसाया जाता है साथियों महाराष्ट्र का मुंबई में ऐसे ही घटना घट गट गया है हरियाणा का रहने वाले कृष्णा नाम एक व्यक्ति उन्होंने अपना परिवार का साथ मुंबई में रह रहा था और वो एक डुप्लीकेट गहना बनाने वाले कंपनी का अंदर अंडर सफेद कर्मचारी का काम कर रहा था उस कंपनी में उन्हें शक किया गया कि वो चोरी किया है और इनको कुर्सी में बांध कर रॉड से मारा गया ऐसे इतने मारा गया मेडिकल लेते लेते वो मर गया इनको ये अधिकार कौन देता है वो दलित इसलिए इसीलिए चोरी किया तो उनका नाम पर दे देते पुलिस इनके बारे में छिनबिन करते और छानबीन करके पता कर लेते कौन चोरी किया या नहीं चोरी किया संविधान होते हुए भी जब किसी को इसे मारा जाता है हम क्या समझेंगे हर कोई स्टेट में चाहे बीजेपी शासित स्टेट या कांग्रेस शासित स्टेट या आद्म, आम आदमी पार्टी शासित स्टेट या तृणमूल कांग्रेस का स्टेट हर कोई स्टेट में बहुजन समाज हर दिन मारा जाता है उन्हें एट्रोसिटी किया जाता है उन्हें टॉर्चर किया जाता है उन्हें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है महाराष्ट्र में कृष्णा का गुनाह क्या था तो उन्हें मार मार कर पूरा जिंदगी ही है आप उनका परिवार का पीछे चार सदस्य छोटे छोटे बच्चे उनको कौन देखेगा कौन संभालेगा ऐसे ना जाने कितने कृष्णा हर दिन भारत का हर कोना में दम तोड़ रहे हैं ये बात कोई भी मीडिया में बहस होने वाला नहीं है और दिखाने वाले नहीं है क्योंकि बहुजन आज ही भारत का हुक्मरान नहीं बन पाया क्योंकि बहुजन समाज अपना ताकत को समझ नहीं पा रहा है जिस दिन बहुजन समाज अपना ताकत को समझेगा एस सी एस ओबीसी माइनोरिटी यूनाइटेड होके खड़ा हो जाएंगे ये पंद्रह परसेंट मनुवादी घर का अंदर बिल का अंदर जाके छुप जाएंगे भोजन समाप्त का लोग भारत के संविधान को पालन करते हैं इसीलिए आज इतने जुलूम होते हुए भी चुपचाप सह सहे जा रहे हैं ये सहने की सीमा जिस दिन अभोर हो जाएगा उसी दिन भारत वर्ष में कयामत हो जाएगा साथियों कब तक हम लोग ऐसे जुलुम सहते रहेंगे आइए बाबा साहेब अंबेडकर का सपना को पूरा करने के लिए बाबा साहेब कहा करते थे आई वॉन्ट पोलिटिकल रेन इन यूर हैंड बाबा साहेब उनका नंबर सत्रह पार में ये कहते मैं चाहता हूं भारत का शासन का डोर बहुजन का हाथ में होना चाहिए हां जी दादा साहेब कांशी राम बहन मायावती का फल संघर्ष का फलस्वरूप आज बसपा एक नेशनल पार्टी बन के खड़ा हो गया है उन्हें सींचना है उन्हें संभालना है ताकि हम हुक्मरान बन सके और हमारा नस्ल को बचा सके भारत का संविधान को चार चलाता है और प्रेस मीडिया साथियों प्रेस मीडिया नहीं है इसीलिए हमारा प्रेस मीडिया बनाना पड़ेगा साथियों आज तक हुक्मरान बन नहीं पाए नेशनल पार्टी तो बन चुका है बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में भाग लेना है और असेंबली में जाके घुसना है लेर लेश को कैप्चर करना है आईएस आईपीएस बनना है एग्जिक को हाथ में लेना है तब जाके बहुजन समाज इस देश में भारत वर्ष में खुशी का जिंदगी जिएंगे नहीं तो हर दिन हम लोग ऐसे ही मारा जाएंगे पीटते रहेंगे साथियों बाबा साहेब का सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों को संविधानिक प्रक्रिया में पीसफुली डेमोक्रेटिक वे में अपना आवाज को बुलंद करना ही होगा नहीं तो आने वाला कल हमारा नासल बचने वाला नहीं है हर दिन हमारा पायल तड़ भी मारा जा रही है हर दिन रोहित रोहित बेहमोला को मारा जा रहा है आज भूखमरी में हम लोग मर रहे हैं साथियों भारत वर्ष में सात हजार से ज्यादा दलित लोग एस सी एस टी ओबीसी माइनोरिटी लोग भूखमरी से मर रहे हैं इनसे मिजाज दिलाना है तो राजनीतिक ताकत को मजबूती का साथ समझना है और हुक्मरान बनना है आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए